एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ गाइस। ये वीडियो मैंने आपके कहने पे बनाई है क्योंकि कमेंट में बहुत कमेंट आ रहे थे यार। कितने लोगों ने कहा था भाई भाई शॉर्ट रेंज वाली टिप्स एंड ट्रिक लेके आओ। कोई बात नहीं यार, मैं आ गया लेके। तो गाइस देखो, लास्ट तक देखना और इसमें मैं कुछ ऐसी गलती बताऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप अगर वो शॉर्ट रेंज में अप्लाई करते हो ना तो भाई आपका परफॉर्म बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वैसे भी कैसे हो आप लोग, भूल गया था बोलना, ठीक है। पहली बात ये है कि आप जिस योद्धा से लड़ रहे हो उसमें कौन सी शक्ति होनी चाहिए। सॉरी, रात को महाभारत ज़्यादा हो गया था गाइस। जिस कैरेक्टर से खेल रहे हो आप उसमें कौन सी एबिलिटी लगाओगे शॉर्ट रेंज में, मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइस। दो कैरेक्टर जो हमेशा आपको शॉर्ट रेंज में काम आए। फर्स्ट कैरेक्टर है वो है जोसेफ। अब गाइस एक बात सोचो गाइस, हम जब शॉर्ट रेंज में लड़ाई करते हैं तो क्या मतलब होता क्या है उसमें? यही होता है, मतलब कोई ग्लूवल बिछाएगा तो हम भी बिछाएंगे, ग्लूवल डाल के जाएंगे उसको रस करने, या फिर वो डैमेज करेगा तो हम ग्लूवल डालेंगे, या फिर कमरे में बाहर जाएंगे खिड़की से, है ना। तो गाइस जब हमें डैमेज पड़ता है ना तो ये 20% अपनी रनिंग स्पीड इंक्रीज़ कर लेता है। तो गाइस ये आपको शॉर्ट रेंज में बहुत काम आने वाला है। और जो सेकंड है वो है मोको। अब ये कैसे गाइस, मतलब शॉर्ट रेंज में ऐसा भी होता है कि कवर आता है, ठीक है, कवर का फुल यूज़ करता है एनिमी। तो गाइस अगर आप डैमेज देते हो ना तो वो जो निशान है हैकर आई का वो आता रहता है और आपको इजीली पता चल जाता है शॉर्ट रेंज में कि बंदा किस तरफ है और आप अपना एम परफेक्ट करके उसे मार सकते हो, ठीक है। दो कैरेक्टर और है जिसे आप थर्ड स्लॉट में यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको हयाटो सजेस्ट करूँगा क्योंकि अगर आपको एनिमी डैमेज देता है तो इसकी जो आर्मर स्पीड है वो 10% इंक्रीज़ हो जाती है। तो गाइस आपके लिए ये थर्ड स्लॉट में बढ़िया रहेगा। और दूसरे पे वो है हमारा मैक्सिम। अब अपडेट के बाद मैक्सिम में बहुत चेंज हुआ है, इसको नूब से प्रो बना दिया गया है। सॉरी मजाक था, मतलब कि ये जो मेडकिट है वो 40% ज़्यादा स्पीड में करेगा अगर आप इसे लेवल 6 पे करके यूज़ करोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बता देना, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। अब गाइस जो सेकंड ट्रिक है वो आपका पूरा डिपेंड है मूवमेंट पे। अब मूवमेंट में क्या आता है, सबसे पहले बता दूँ आपको ग्लूवल फास्ट लगानी आनी चाहिए, चलो वो आता है, बढ़िया है। आपको गन स्विच करना आना चाहिए। गन स्विच क्या होता है, मतलब कि गन एक्सचेंज करने वाला बटन जो है आप उसे उससे भी कर सकते हो। अगर आप टू फिंगर खेलते हो तो आप ऊपर गन स्विच चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा है वो आपको बताता हूँ कि आपको कवर नहीं छोड़ना है। कवर तभी छोड़ो जब आपके पास मूवमेंट हो, और आपके पास अगर मूवमेंट है तो आप उसको मार सकते हो। अब भाई मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं कि भाई मूवमेंट आ गया बेटे अब तो मैं शक्तिशाली हूँ, है ये नहीं भाई। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आज। हम पे यार दिमाग भी है कुछ, उसका भी यूज़ करना है, ठीक है। तो चलते हैं तीसरी ट्रिक पे। ये सिचुएशन तो सबके साथ होती है भाई लोग, मैं क्या करूँ यार, कैसे मारूँ बंदे को, बंदा मार के चला जाता है भाई। ग्लूवॉल के अंदर दोनों आ जाते हैं भाई, मैं भी आ जाता हूँ, एनिमी आ जाता है, जैसे कि कमरे में बंद हो। मज़ा आया। उस समय दोनों प्लेयर की जान हथेली पे आ जाती है और ना सोच, वो दोनों भी समझ चुके होते हैं कि मरना तो किसी एक प्लेयर को है, तो यार मारे कैसे जल्दी। तो गाइज अगर आपको हेड मारना है तो गाइज आपको करना क्या है, आपको एम अपने सर के पास रखना है, अपने सर के पास, ताकि उसको भी हेड लगने आसानी हो, हैं। और दूसरी बात ये है गाइस कि अपना जो एम है वो उसके बॉडी पे कनेक्ट नहीं करना है, मतलब कि इधर इधर बगल बगल में रखना है, और ऊपर से आपको फायर बटन चलाते रह जाना है, और उसके जैसे ही हेड पे जाएगा तो उसको हेड लग जाएगा, भले तुक्का ही लगे लेकिन लगेगा तो हेड ही लगेगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। आपने लेजेंड प्लेयर को देखा होगा ऐसा मारते हुए, तो गाइस वो भी ऐसा मारते हैं, आप भी ऐसा मारो, आप भी लेजेंड बनो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है।